protein, about it is just about the protein amino acids. Okay, so syllabus is brief chemistry and role of proteins. तो यहाँ हम बताएंगे कि जो प्रोटीन की केमिस्ट्री है, प्रोटीन क्या है, व्हाट प्रोटीन इज, व्हाट मेक द प्रोटीन, और उसका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी. नेक्स्ट इसमें है पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स. हम डिस्कस करेंगे पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में, हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, क्वांटिटेटिव टेस्ट कौन कौन से हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट कौन कौन से हैं. क्वालिटेटिव टेस्ट वो होते हैं जो बताते हैं कि इसमें कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन है भी कि नहीं है, ये सारे क्वालिटेटिव टेस्ट में आते हैं. नेक्स्ट इसमें है बायोलॉजिकल वैल्यूज, प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है. ओके, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. द डिफिशेंसी डिजीजेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन या फिर अमाइनो एसिड की डिफिशेंसी से होने वाली कौन कौन सी डिजीजेज है. क्लियर? सो दिस इज अ बेसिक सिलेबस ऑफ यूनिट फर्स्ट, ब्रीफ केमिस्ट्री एंड द रोल ऑफ प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव टेस्ट, बायोलॉजिकल वैल्यूज, डिफिशेंसी डिजीज. तो इसमें आपका डिफिशेंसी डिजीज अमाइनो एसिड्स का, क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड का, क्लासिफिकेशन प्रोटीन का, बायोलॉजिकल वैल्यू अमाइनो एसिड्स की, बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स की, सारा इसमें निहित है, सारी चीज़ें इस सिलेबस में कवर हो जाएंगी. क्लियर? तो शुरू करने से पहले अगर हम कोई भी क्वेश्चन अगर लेते हैं, शुरू करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखें जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. लास्ट में इसको हम चैप्टर के एंड में भी समराइज करेंगे कि ये क्वेश्चन आया था, तो इसको हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए. तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि किस क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा ध्यान दें, कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो बार बार हिट करता है. तो ईयर 2014 में द फर्स्ट क्वेश्चन वाज द व्हाट आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, गिव देयर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. सबसे पहला क्वेश्चन आया था 2014 में कि अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या हैं और उनका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है. 8 मार्क्स में क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन था enlist the different qualitative tests carried out on proteins and give the procedure of any two of such tests. तो इन्होंने बोला कि किसी भी दो qualitative test का protein के, जैसे protein के जो test होते हैं बताते हैं कि कौन सी protein है या protein है कि नहीं है, तो उस qualitative test को आपको बताना है. यहाँ पर किसी भी दो procedure का discussion करना है और वो भी 8 marks में है. Third question है discuss डिफरेंट प्रोटीन डिफिशेंसी डिजीज इन ब्रीफ, जो डिफरेंट डिजीजेज हैं, जो प्रोटीन डिफिशेंसी डिजीज है, क्वाशियोरकर, मैरास्मस, कोई भी दो या तीन डिजीजेज जो है, जो डिफिशेंसी डिजीज हो रही है, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है. द सेम 8 मार्क्स, इट वॉज द 8 मार्क्स क्वेश्चन. अगेन इन 2015 देर वॉज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑफ 6 मार्क्स, डिफाइन एंड क्लासीफाई प्रोटीन. आपको प्रोटीन को डेफिनेशन देनी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड क्लासिफाइड, उसको क्लासिफिकेशन देना है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बनाना है. सेकंड क्वेश्चन है गिव एनी 4 qualitative tests ऑफ प्रोटीन, किसी भी 4 qualitative tests प्रोटीन के देना है. देखिए सेम क्वेश्चन वाज रिपीटेड इन दिस 2014 एंड 2015. क्वालिटेटिव टेस्ट पूछा गया प्रोटीन का, वहाँ 2 पूछा गया था, यहाँ 4 पूछा गया कि 4 qualitative tests प्रोटीन के आप लोग यहाँ पर लिखिए. बहुत सिंपल और अच्छा इजी क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द डिजीज कॉज ड्यू टू द प्रोटीन डिफिशियंसी. अगेन द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड हियर 2014-15 में कि डिफरेंट डिजीज ऑफ प्रोटीन जो है, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज से जो कॉज हो रहे हैं वो कौन से हैं, उसके बारे में आपको लिखना है. तो आपको ये चीज़ अंदाज़ा होगा कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स, दूसरा डिफरेंट डिजीज कॉज ड्यू टू द प्रोटीन डिफिशियंसी. 2016 द क्वेश्चन इज व्हाट आर अमाइनो एसिड, द ट्रैक इज नॉट डिफरेंट. अभी यहाँ पूछा जा रहा है प्रोटीन के बारे में, नहीं अमाइनो एसिड के बारे में, कि व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स क्या है, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, और उनकी महत्वता क्या है हमारे लाइफ में, उसके बारे में डिस्कशन करना है. 2017 व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, गिव देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और उनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अमाइनो एसिड्स,
अमाइनो एसिड के बारे में डिफिनेशन देनी है, गिव देयर क्लासिफिकेशन 16 और 17 में सेम क्लासिफिकेशन, सेम क्वेश्चन जो रिपीट है, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, डिफाइन अमाइनो एसिड्स। क्लियर हो रहा है ये? तो ये भी यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस वेरियस डिजीज कॉज ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी इन ब्रीफ, द सेम क्वेश्चन 2016, 15, 14 एंड 17। डिस्कस वेरियस डिजीज कॉज ड्यू टू द प्रोटीन डिफिशियंसी इन ब्रीफ। ओके, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? प्रोटीन का बनना, ठीक है, दैट आर कॉल्ड सिंथेसिस, उसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म। प्रोटीन का टूटना कैटाबॉलिज्म, दोनों को मिक्स होना दैट आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो एबनॉर्मल और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म प्रोटीन के यहाँ पर डिस्कस करना है 8 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल जो है आपका वैल्यूज जो है अमाइनो एसिड और प्रोटीन की, दोनों डिस्कस करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए सारे जो ईयर्स हैं वहाँ पर अलग अलग तरीके से आए, तो यहाँ पर उन्होंने दोनों मिक्स कर दिया है कि हाईलाइट द बायोलॉजिकल वैल्यूज ऑफ अमाइनो एसिड एज वेल एज प्रोटीन, दोनों के आपको बायोलॉजिकल वैल्यू और उसकी इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो ये 2020-21 का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट हमने बना लिया है कि डिफाइन अमाइनो एसिड विद क्लासिफिकेशन, गिव द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अमाइनो एसिड, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, डिफाइन द क्लासिफाई, डिफाइन एंड क्लासिफाई प्रोटीन, प्रोटीन को आपको डिफाइन करना है और क्लासिफाई करना है। हाईलाइट द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन की जो इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, उसको आपको हाईलाइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 5 क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अगर हम किसी 5 टेस्ट का प्रोटीन की क्वालिटेटिव टेस्ट की अगर स्टडी कर लें, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो डिस्कस द प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। तो यहाँ एबनॉर्मल और नॉर्मल प्रोटीन के बारे में भी, मेटाबॉलिज्म के बारे में बताना है और कौन कौन सी डिफिशियंसी डिजीज से, डिजीज प्रोटीन डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो रही है, इसके बारे में बताना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ कि वेरी बेसिक, अगर हम बोलें कि ये पूरा जो घर है वो किस चीज़ से मिलके बना है, तो घर जो है वो सिंपल जो सबसे छोटी इकाई है वो है ईंट, ईटा, जिसको आप कहते हो ब्रिक। तो प्रोटीन का जो ब्रिक है वो है अमाइनो एसिड्स। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं नेचर में, कुछ और अनयूजल होते हैं, कुछ अनयूजल अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट हैं। तो जो बेसिक 20 हैं, यूनिवर्सल अमाइनो एसिड हैं, उसको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सारी ईंट को अलग अलग बनाने का काम जो है वो अमाइनो एसिड्स का है। अगर किसी प्रोटीन को बना रहे हो आप, तो अमाइनो एसिड्स से ही वो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन अमाइनो एसिड विद क्लासिफिकेशन, गिव द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड का देना है और उसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अमाइनो एसिड का क्या है, ये आपको पहले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। इसको अगर 10 मार्क्स में आता है या 8 मार्क्स में आता है, तो उसको आपको डिफाइन करना है। सो आंसर, एन अमाइनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या है वो? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इट मींस कि वो कार्बन का बना है, दैट इज मेड अप ऑफ बेसिक अमाइन ग्रुप। ठीक है, अमाइनो ग्रुप क्या होता है? NH2 ग्रुप। तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक अमाइनो ग्रुप हो, फर्स्ट थिंग इज अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप एंड द एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और क्या हो? उसके पास एक एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, COOH ग्रुप हो। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो उसमें, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, एंड एन ऑर्गेनिक R ग्रुप, और उसकी कोई भी साइड चेन, एक अल्किल चेन R ग्रुप हो, कोई भी, इसको R हम लेते हैं, R कुछ भी आ सकता है, दैट कॉल्ड इज अल्किल ग्रुप, दैट इज यूनिक टू ईच अमाइनो एसिड। सबका अल्किल ग्रुप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, बाकी अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज सेम। वो दो ग्रुप कॉमन होगा, एक से अधिक हो सकता है, लेकिन और डिफरेंट अमाइनो एसिड में अगर हम बात करें, तो जो साइड चेन है, जो आर चेन है, वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्लियर? तो वो यूनिक प्रॉपर्टी है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की। द अमाइनो एसिड इज अ शॉर्ट फॉर अल्फा अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप, एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जो रेड पोर्शन में दिखाया गया है वो आपका NH2 ग्रुप है, N और
दो एच जुड़े हैं, दैट कॉल्ड इज अमाइनो ग्रुप। ये क्या है? अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। जो आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, ये अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, और कार्बन सेंटर में है इसमें, क्योंकि मैंने बोला था कि इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसके पास कार्बन प्रेजेंट होता है। साइड चेन, ये आर चेन साइड चेन है, और ये सी ओ ओ एच ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, सी ओ ओ एच ग्रुप। ठीक, तो इसके ये सिंपल एक अमाइनो एसिड ग्रुप का बेसिक स्ट्रक्चर है ये, कि अमाइनो एसिड में क्या क्या कंपाउंड या क्या कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो। विच ग्रुप इज प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड? फर्स्ट इज अमाइनो ग्रुप, सेकंड इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, साइड चेन, एंड अंदर फोर्थ वैलेंसी इज फिल्ड बाय द हाइड्रोजन। हियर आप इसको भी आप कार्बन चेन से बढ़ा सकते हो, या यहाँ पर मेथिल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट अमाइनो एसिड में वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आपका ये होगा कि अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्कल साइड चेन है, नेक्स्ट वन आपका मेथिल एथिल एल्किल प्रोपिल कुछ भी हो सकता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड तो वहाँ सल्फर प्रेजेंट होगा, मेथियोनीन सिस्टीन में। ठीक, अब क्लासेस ऑफ अमाइनो एसिड कौन से हैं, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ अमाइनो एसिड? तो उसको हमने डिवाइड किया एलिफैटिक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो एलिफैटिक अमाइनो एसिड में अगर हम डिस्कस करें तो किस किस का डिस्कशन करेंगे? ग्लाइसिन, पांच अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोलेसिन। क्लियर, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोलेसिन, इट इज एन एलिफैटिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सो यहाँ पर देखिए डिफरेंट क्या चीज है, ये डिफरेंस है कि कुछ अमाइनो एसिड है जिसके पास ओ एच ग्रुप प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ऐसे दो अमाइनो एसिड है, सीरीन और थ्रियोनिन। क्लियर, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड सीरीन एंड थ्रियोनिन। देन इट इज अ साइक्लिक अमाइनो एसिड, ऐसा अमाइनो एसिड जो साइक्लिक हो, प्रोलीन। ठीक है, उसमें साइकिल फॉर्मेशन होगी, मीन्स रिंग फॉर्म होगा, तो प्रोलीन इसका एग्जाम्पल है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड, वाओ, द अमाइनो एसिड्स व्हिच कंटेन्स द एरोमेटिक ग्रुप दैट आर कॉल्ड एज अ बेंजीन रिंग, इट्स कॉल्ड एज अ एरोमेटिक। सो फेनिलएलानिन, टायरोसिन एंड द ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, मैथ्यूनिन, सिस्टीन, मैथ्यूनिन एंड सिस्टीन आर टू अमाइनो एसिड्स व्हिच आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। सो बेसिक अमाइनो एसिड्स हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। बेसिक जो होंगे वो हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। क्लियर, ऐसे ही एसिडिक अमाइनो एसिड है। बेसिक अमाइनो एसिड में क्या चीज है कि एनएच टू ग्रुप एक से ज्यादा प्रेजेंट होगा। एसिडिक ग्रुप में क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक ग्रुप से ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट होगा, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। तो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड में एक से अधिक सी ओ ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड। एमाइड, ठीक है, एमाइड अमाइनो एसिड जो है वो दो हैं, एस्पराजीन और ग्लूटामीन। एस्पराजीन एंड ग्लूटामीन आर टू अमाइनो एसिड्स विच कंटेन्स द एमाइड ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड एज अ एमाइड अमाइनो एसिड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें हम आते हैं कि ऐसे अमाइनो एसिड को हम किस बेसिक जो सिंपल अगर क्लासिफिकेशन है उसको हम क्लासिफिकेशन कैसे करें, तो उसको हमने बेसिक दो में डिवाइड किया है, इसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। सो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जिसकी हमको बाहर से जरूरत ना पड़े, मतलब उनकी हमको जरूरत नहीं है, वो हमारे शरीर में खुद बन जा रहे हैं, दैट कॉल्ड एज अ नॉन एसेंशियल। सो वी कैन से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कैन बी मेड बाय आवर बॉडी। जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है, खुद बना लेती है, जब हम प्रोटीन खाते हैं उसको तोड़ के फिर से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर्म कर लेती है। व्हाइल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, हमारे अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं बन सकते, इसीलिए उसकी नाम है, उसका नाम है एसेंशियल, हमको चाहिए ही चाहिए बाहर से अमाइनो एसिड। And you must get them from your diet. आपको उसको अपने खाने से बनाना ही है, जो आप खाओगे उसको उसे अमाइनो एसिड बनना ही बनना है। सो यू मस्ट हैव ऑल द अमाइनो एसिड्स सो योर बॉडी कैन बिल्ड द वाइड वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स इट नीड्स। अब हमको अमाइनो एसिड क्यों चाहिए?
क्योंकि अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, एक अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड, तीन अमाइनो एसिड ऐसे जोड़ जोड़ के पैप्टाइड बनाएंगे, पैप्टाइड क्या बनाएंगे, पॉलीपैप्टाइड्स, और पॉलीपैप्टाइड आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन की कहाँ जरूरत है हमारे शरीर में, क्या जरूरत है, प्रोटीन से ही हेयर बनेगा, प्रोटीन से ही सेल बनेगा, सो प्रोटीन इज नीडेड फॉर आवर रिपेयर, सेल रिपेयर में, ग्रोथ में, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ सेल, क्लियर, फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंजाइम जरूरत होती है, तो एंजाइम सिंथेसिस कैसे होगा अगर अमाइनो एसिड ना हो, प्रोटीन ना हो, तो एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, सो अगर प्रोटीन हम नहीं खाएंगे तो अमाइनो एसिड में ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा तो दूसरा एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज नहीं होगा, क्लियर हो रही बात। सो आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स 12 आर नॉन एसेंशियल, 20 अमाइनो एसिड 12 जो ऐसे हैं वो नॉन एसेंशियल है जिनकी हमको जरूरत बाहर से नहीं है। देयर आर एलानिन, दीज आर एलानिन, एस्पराजिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरीन, टायरोसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, क्लियर। 12 अमाइनो एसिड्स, आई विल अगेन रिपीट, आपको एक बार प्रोनाउंसिएट करके दिखा दूंगा, प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट है, आप शुरू में भटकिए नहीं और इसको बिल्कुल ऐसा महसूस ना करिए, बहुत ईजी आप प्रोनाउंसिएट कर लेंगे इसको, एलानिन, एस्पार्टेट, एस्पराजिन, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, ठीक है, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरीन, आइसो, ट्रिप्टोसिन, टायरोसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, क्लियर। सो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, सपोर्ट द टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर, दे विल रिपेयर आवर टिश्यूज, इम्यून फंक्शन में हेल्प करेंगे, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड helps in the immune function, red blood cell formation and the hormone synthesis. क्या synthesize करेंगे? Hormone को, blood cell को form करेंगे. कौन कौन से blood cell होती हैं? RBC, WBC, platelets, neutrophils, basophils. Okay? तो इसका जो formation करेंगे वो आपके non-essential amino acids basically करते हैं. Essential amino acids क्या हैं? These are amino acids which require from our body from outside of, okay, from our food, in our diets, okay, clear? So basically 9 essential amino acids are there, total 9 amino acids aise hain jo essential hai, which you must go through your diet, jisko aapko apne khane se lena hai. Example hai uske histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine and the threonine, or tryptophan and valine, तो दे आर वाइटल फॉर फंक्शन सच एज प्रोटीन सिंथेसिस, किस चीज किसके लिए चाहिए हमको, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए चाहिए, कौन सा अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड इज नेसेसरी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, टिश्यू रिपेयर इज, यहां भी देखिए टिश्यू रिपेयर भी एसेंशियल अमाइनो एसिड की बहुत जरूरत पड़ती है, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर नेसेसरी। नेक्स्ट थिंग आती है कि बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमाइनो एसिड, क्या है फंक्शन, रोल क्या है अमाइनो एसिड, हम क्यों खाएं या हमारी बॉडी क्यों सिंथेसाइज करे। सबसे पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्लियर हो रही बात, प्रोटीन के ये बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी प्रोटीन को सब बनाने वाली सबसे छोटी इकाई वो है अमाइनो एसिड्स। दूसरा क्या है, एनर्जी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, जब कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी खत्म हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता हमारे शरीर में, तो प्रोटीन, यानी प्रोटीन तोड़ तोड़ के अमाइनो एसिड फॉर्म करता है, अमाइनो एसिड एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है, इट मींस कि कैटाबॉलिज्म होता है, तो एनर्जी विल जनरेट फ्रॉम अमाइनो एसिड। ओके, इन फास्टिंग कंडीशन या इन स्टार्विंग कंडीशन, जब आप स्टार्वेशन में हो, जब सारी चीजें खत्म हो जाए, तो प्रोटीन जो है, यानी अमाइनो एसिड जो है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर हमारी बॉडी इसको यूज करेगी ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म ऑफ स्टार्विंग आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट। स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं जी, ग्लाइकोजन, स्टार्च, गुड, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आर स्टोरेज फूड्स, स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी, कैसे इन एनिमल्स, ग्लाइकोजन, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर ये खत्म हो जाते हैं तो प्रोटीन जो है वो
मेटाबोलाइज होती है, अमाइनोसिस मेटाबोलाइज होते हैं, एनर्जी लिबरेट करते हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड है फियोमाइनोसिस आर आल्सो यूज्ड एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। गुड, इन न्यूरोट्रांसमिशन अमाइनोसिस आर वेरी यूजफुल। न्यूरोट्रांसमिशन अगर आपको कोई भी संवेदना होती है या आपके कोई भी जितने भी न्यूरॉन्स के थ्रू आपको कोई भी संदेश पहुंचा जाता है थ्रू बॉडी ब्रेन को सारे संदेश जो देते हैं ट्रांसमिट जो होता है थ्रू न्यूरॉन्स इज अ न्यूरोट्रांसमिशन देयर अमाइनोसिस आर आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट करा फ्यू अमाइनोसिस आर यूज्ड इन हार्मोन्स। कुछ ऐसे अमाइनोसिस हैं जो हार्मोन्स की तरह यूज करेंगे, हार्मोन्स को सिंथेसाइज में यूज करेंगे, अदर बायोकेमिकल कंपाउंड्स और बायोकेमिकल कंपाउंड्स के लिए भी यूज होंगे। बहुत सारे अमाइनोसिस ऐसे हैं जो टीसीए साइकिल में एंटर करते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस में भी एंटर करते हैं। यूं कहिए कि बहुत सारे अमाइनोसिस हैं ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट का भी फॉर्मेशन करते हैं लेटर स्टेजेस में। क्लियर हो रही बात? तो ये है बेसिक आपका कि आपका अमाइनोसिट क्या है, अमाइनोसिट कितने तरीके के होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या था अमाइनोसिट का, और बेसिक जो है अमाइनोसिट के क्या रोल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें एकदम क्लियर हो गई कि व्हाट अमाइनो एसिड इज। अमाइनोसिट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड कार्बनिक कंपाउंड एंड इन विच अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट, कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट एंड एल्किल साइड चेन्स आर प्रेजेंट। ओके, इन मैनी अमाइनो एसिड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, सल्फर इज प्रेजेंट, एरोमेटिक अमाइनो एसिड एरोमेटिक रिंग इज प्रेजेंट। तो डिफरेंट तरीके के अमाइनो एसिड जो है यहाँ पर हमने डिस्कशन किया, सबके नाम डिस्कस किया, फिर उसको हमने क्लासिफाई किया एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में। एसेंशियल वो हुआ जिसके हमको बाहर से जरूरत पड़ी, ऐसे 8 अमाइनो एसिड थे। नॉन एसेंशियल ऐसे अमाइनो एसिड थे जिनकी हमको बाहर से जरूरत नहीं पड़ रही थी, वो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर रही थी। तो ऐसे टोटल 12 अमाइनो एसिड्स हुए। फिर हमने बायोलॉजिकल रोल अमाइनो एसिड्स का जो क्या है वो डिस्कस किया कि एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज होता है, एज एनर्जी फूड, एज एनर्जी सोर्स यूज होता है स्टार्वेशन कंडीशन में, एज न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है, और जो बायोकेमिकल कंपाउंड्स बीच बीच में जो आपकी बायोकेमिकल साइकिल चलती है उसमें यूज होता है, हार्मोन सिंथेसिस में यूज करेंगे इसको। तो इस तरीके से आप अमाइनो एसिड के बारे में पूरी तरीके से जान गए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अमाइनो एसिड आज जब आपको नोट्स मिलेगा, जब आप दोबारा सुनेंगे रिपीटेड फॉर्म में, तो आपको अमाइनो एसिड्स के जितने भी नेम हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। आर्जिनिन जैसे ट्रिप्टोफैन टायरोसिन, यस इट्स क्वाइट टिपिकल, इट्स थोड़ा अलग है आपको, लेकिन ये आपको सुनना है और आपको खुद से प्रोनंशिएट करना है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपको इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसके आपको आदत पड़ जाएगी, हालांकि आपने इसको शायद 12th स्टैंडर्ड में इसकी स्टडी की है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर डीप स्टडी करनी है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको 8 मार्क्स में या 10 मार्क्स में या अगर 2 मार्क्स में भी आता है तो उसको उस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करके आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए जो क्वेश्चन है ये आपको घर के लिए मैं दे रहा हूँ कि आप इसको डिस्कस करिएगा, स्टडी करिएगा, लर्न करिएगा, फिर उसको नेक्स्ट अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे क्लासरूम में। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक जो पढ़ाऊँगा वो डिफाइंड एंड क्लासीफाई प्रोटीन। हमने प्रोटीन को क्लासीफाई कैसे करेंगे, प्रोटीन क्या है उसको पढ़ेंगे, और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है प्रोटीन का, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आप लोग बी प्रिपेयर फॉर प्रोटीन। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।